subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई वासी सेक्टर 28 एजुकेशन सोसाइटी में क्रिसमस त्यौहार के अवसर पर डी डांसिंग डग व हैप्पी पीपल्स को के माध्यम से भव्य डांस शो, वर्कशॉप, रेडियो जॉकी व अन्य इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हजार से ज्यादा मॉम्स एंड बच्चों ने बढ़ चढ़ कर सहभाग लिया। इसी की अधिक जानकारी डी डांसिंग डग की मेंबर अधिका अग्रवाल व उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया आवाज चूड़े के साथ व्यक्त की है। इनका मानना है कि नवी मुंबई में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम किया गया है और ये काफी सफल इवेंट साबित हुआ है। जहां क्रिसमस त्यौहार के अवसर पर उन्हें मुंबई जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता था, इस बार तिलक एजुकेशन ने सारी सुविधा उपलब्ध की है और इस सभी इवेंट का हम आनंद उठा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे क्रिसमस कार्निवल, ये वाशी सेक्टर 28 तिलक एजुकेशन सोसाइटी में हो रहा है। ये फैमिली और बच्चों के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन नवी मुंबई। यहाँ पे वर्कशॉप्स है, स्टॉल्स है, पॉपअप्स है, डांस शोज है, मैस्कॉट शोज है और क्या बोल सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बेसिकली हमने ये इसलिए प्लान किया था क्योंकि हम नवी मुंबई की मम्मी सब नवी मुंबई से बाहर जाती थी सबको एक्सपीरियंस करने के लिए, पर वाई नॉट इन वाशी इन नवी मुंबई। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, सब कुछ हम देना चाह रहे हैं इन वन प्लेटफॉर्म। ये एक दिन का प्रोग्राम है, हमारे ऑलरेडी 500 फुटफॉल हो चुके हैं, अभी तो और भी पूरी रात बाकी है। 1000 से ऊपर मम्मीज एंड बच्चे सब मिला के आज शो में आ रहे हैं। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल शो ऑलरेडी। इनको आर्ट एंड DIY वर्कशॉप, दैट इज डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप्स, इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज और हमारी खुद की किट्स भी है जो आर्ट किट्स है। आजकल बच्चे टीवी ना देखे और इंटरनेट पे ना बैठे, फ़ोन पे ना बैठे, तो हमारी एक्टिविटीज़ है जो घर पे बना के यूज़ करते हैं, इसलिए हमें लगा कि सब कुछ एक ही छत के नीचे होना चाहिए, इसलिए हमने ये वर्कशॉप रखी। बच्चों को और मम्मी लोगों को या पेरेंट्स को, जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है कि ये कोर्सेज या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट म्यूज़िक, हर पार्टी में हमारा लॉजिक ये होता है कि म्यूज़िक है, डांस है, लेकिन यहाँ पे साइंस शोज़ किए गए थे, यहाँ पे लेगो वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटी करवा रहे हैं, साइंस वर्कशॉप्स है, स्पोर्ट्स कॉर्नर्स है, सो अगेन म्यूजिकल शोज़ है जो बच्चों को हमेशा पसंद आता है, राइट फ्रॉम पपेट शो टू काइंड ऑफ एनी एक्टिविटी, जैसे टैटू कॉर्नर है। तो एक पूरा दिन का प्रोग्राम रखा गया है ताकि बच्चे इन्जॉय करें, सारा एक्सपोजर मिले, और सिर्फ बच्चे ही नहीं। वीडियो साई पवार साथ प्रिया भुजबल की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे।